हेलो गाइस, आज हम आ चुके हैं मेरे नए वीडियो पे, जहाँ पे हम खेलने वाले हैं सुपरमार्केट सिमुलेटर। ये गेम अब सबसे पॉपुलर चल रहा है मार्केट में, तो देखते हैं ये कैसे खेलते हैं। ये है हमारे सुपरमार्केट, जो अभी बहुत ही छोटा है, जिसे हमें बड़ा करना है। तो आप भी हमारे साथ, आप लोग भी मेरे साथ रहना, तो देखते हैं कैसे इसे बड़ा कर सकते हैं और मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे कमा सकते हैं। तो यहाँ से पहले ऑर्डर दे चुके हैं हम ब्रेड, हमारे पास से $50 थे, उससे हम ब्रेड ले चुके हैं। ब्रेड को सारे के सारे जो हमारे प्रोडक्ट है उसे सही जगह पे रखने के बाद उसका जो कवर है उसे भी बाहर फेंकना ज़रूरी है, नहीं तो बाहर सब मैस हो जाएगा। इसकी वजह से जो लोग है वो मेरी सुपरमार्केट में नहीं आएगा। हाँ, अब सेकेंड का काम क्या है, सारे जो मैंने ये प्रोडक्ट रख दिया है, इसका जो प्राइस रेट है वो उस प्राइस रेट को सेट करना है। मार्केट प्राइस से मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ही रखा है, बहुत ज़्यादा नहीं रखा, क्योंकि लोग नहीं तो नहीं ख़रीदेंगे, क्योंकि दूसरे जगह पे बहुत ही सस्ते में मिलेंगे ना। इसलिए मेरा पहला ख़रीदार आ चुका है, ये तो चंदू था, चला गया यहाँ से। अब एक टकला अंकल आया है, देखते ये क्या करता है। ये भी ये लिया है, बिस्कुट लिया है और ATM से पेटीएम कर दिया है, इसका तो हो गया है। अब दूसरा भी आया है, ये शायद, मुझे लगता है ये शायद ऑफिस जाने के लिए निकला है, बहुत ही जल्दी में है, जल्दी से इसका निपटाता हूँ। हाँ, मैडम भी बहुत ही कुछ काम से जाने वाली है, देखकर तो ऐसा ही लगता है। अब हो गया है मैडम का भी, देखते हैं। हाँ मैडम, सर जितना भी चीज़ है आप सब ले जाइए, मेरी पूरी दुकान को खाली कर दीजिए। अरे ऐसा तो खाली ही है, तो कौन सा मैंने पूरा दुकान भर के रखा है, दो ही प्रोडक्ट है, बाकी प्रोडक्ट को परचेस कर लेंगे, जितना पैसा हुआ है उतने में जितना हो सके उतना लेंगे, क्योंकि जितना प्रोडक्ट होगा उतना कस्टमर होगा और उतना प्रॉफिट भी होगा। तो देखते हैं कौन सा प्रोडक्ट मैंने मंगाया है। अच्छा, आ गया है, आसपास की जो लोग हैं सब मेरी दुकान से लेंगे, मैंने सबको कल रात जाके बता कर आया है, आप लोग नहीं थे तो आप लोग नहीं जानते। देखिए आसपास के जितने भी लोग हैं सब में अब से मेरे कस्टमर हैं, मेरे प्रोडक्ट भी आ चुके हैं, इन प्रोडक्ट को ले जाएंगे, ले जाके रैक पे रख देंगे। पर बट पहले एक काम करते हैं, इनका दे देते हैं, नहीं तो क्या है जब मैं रखूँगा प्राइस, मार्केट प्राइस सेट करने से पहले ही ये लोग अगर उसे परचेस कर लेंगे तो मेरा लॉस हो जाएगा, इसलिए पहले इन्हें लेने देते हैं, उसके बाद उन्हें रैक पे रखेंगे। इनका लेना हो चुका है, आप जाते हैं, जो नहीं है उसे ऑर्डर करते हैं, बिस्कुट ऑर्डर करते हैं, पर पैसे शायद नहीं है। हाँ तो अभी इस सुशु को लेते हैं, जाकर रैक पे रख देते हैं। कंप्लीट हो चुका है, लोग आ चुका है, तो इसका मार्केट प्राइस पहले सेट कर देते हैं जल्दी से। ये सेट हो चुका है, इसके बाद इसे रख देते हैं। और मैडम आया है तो मैडम को सबसे पहले देना पड़ेगा, मैडम फिर आइएगा। मैडम बहुत ही अच्छा है, पूरा चेंज क्लियर कर दिया है, तो ये भी बहुत अच्छी थी। ये काली नगिन जैसी जुल्फ वाली कौन है, शायद मुझे पता नहीं है, आसपास की कोई होगी, ये तो नागिन सीरियल वाली हीरोइन जैसी लग रही थी, आधी नागिन आधी इंसान। अब तेल भी आ चुका है, इस तेल का मार्केट प्राइस सेट हो चुका है, लोग कस्टमर भी आने वाला आ चुके हैं। पास्ता आ चुका है, पास्ता भी रख देते हैं हम ऊपर की शेल में, और इसका मार्केट प्राइस भी हम सेट कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। और एक प्रोडक्ट है जो लेते हैं, ये तो हमारा आटा है शायद, हाँ ये आटा ही है, तो इसका जो प्राइस है इसे सेट कर देंगे, इसे बाहर फेंक के आएंगे। और शाम हो चुकी है, तो हमें यहाँ पे जल्दी से क्या करना है, लाइट को ऑन कर देना है, और इनको पहले दे देते हैं। इनका भी, मैडम का भी कंप्लीट हो चुका है, भाई साहब आपका भी कंप्लीट हो चुका है, अब भी जा सकते हैं। पहले लाइट ऑन करता हूँ, नहीं तो कुछ नहीं दिखाई देगा। तो पास्ता और ब्रेड से मैडम थोड़ा ज़्यादा चीज़ लीजिए, अब भी भाई साहब इतना सारा चीज़ तो है, इतना सारा नहीं है, और जितना भी है आप सब ले जाइए, एक दो चीज़ लेकर क्या करेंगे आप। अब मेरे पास प्रोडक्ट की कमी हो रही है, तो जितना भी पैसा हुआ है उससे मुझे प्रोडक्ट खरीदना है, नहीं तो कस्टमर नहीं आएंगे, क्योंकि दुकान में प्रोडक्ट ही नहीं होगा। तो इन दोनों को दे देते हैं, उसके बाद प्रोडक्ट को चूज़ कर लेंगे। तो इस भाई साहब को क्या, $7.5 भाई, इतना चीप मार्केटिंग कौन करता है भाई, इतना चीप शॉपिंग करके घर जाओगे तो क्या करोगे भाई, थोड़े ज़्यादा लो।
ब्रेड हमारा आ चुका है, आप देखते हैं। पास्ता को रख देते हैं ऊपर की शेल में। इन सब का मार्केट प्राइस पहले से ही मैंने सेट करके रखा है, एक बार अगर सेट हो जाए तो दोबारा सेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो बाकी सबका दे देते हैं, इसका चेंज दे देते हैं। शूशू लिया है एक मैडम ने, तो मैडम को दे दिया। अब शूशू और आटा लिया है तो इनका भी दे दिया, हो गया सबका। अब फिर से हमें जो प्रोडक्ट ऑर्डर किया था वो रैक में सजा देंगे। ये सबको सजाना हो चुका है। आप फिर से सुसु आया है तो सुसु के ठीक सही तरह से रख देंगे, क्योंकि सुसु बहुत ज़्यादा बिक रहा है तो इसे अच्छी तरह से रख देंगे। और ये बिस्कुट भी ज़्यादा बिक रहा है, ये शायद बिस्कुट ही होगा। तो ये इसका काम भी हो चुका है। और ऑयल आ चुका है, ऑयल तो एक रैक भरा हुआ है तो दूसरे में भर देते हैं। तो ये कंप्लीट हो चुका है, अभी जाएंगे और आज का दिन जो है इसे कंप्लीट कर देंगे। तो देखते हैं कौन सा कितना पैसा हुआ है। सिर्फ $50, इतने में कुछ भी नहीं होगा। तो मुझे लगता है मुझे बैंक से लोन लेना पड़ेगा। आज का दिन ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट डे आ चुका है। अब मेरे पास पैसे नहीं है तो मुझे लगता है मुझे थोड़ा लोन ले लेना चाहिए, क्योंकि अगर लोन नहीं लूँगा तो मेरा दुकान नहीं चलेगा, क्योंकि सामान अभी दुकान में ही है, वो बिके नहीं है और नया सामान लाना है। तो लोन, सबसे पहले लोन ले लिया मैंने। अभी सबसे पहले जो प्रोडक्ट है ओपन कर दिया दुकान को। अभी जो सबसे पहले प्रोडक्ट है उन सारे प्रोडक्ट को आप ले लेंगे। कौन सा प्रोडक्ट है सबको ले लो। और हाँ, सबसे पहले और एक काम करते हैं, एक लाइसेंस ले लेते हैं, जिससे कि हमारा प्रोडक्ट जो है वो बढ़ जाएगा। तो देखते हैं, इसका तो हो गया $12। मैडम आप जाइए, फिर से आइएगा। और जो भी मैंने ऑर्डर किया था वो सजा देते हैं। पहले पास्ता ऑर्डर किया था, और क्या है बाहर देखते हैं। पास्ता तो गया और बिस्किट है जो मैंने ऑर्डर किया था, इसे भी रैक में अच्छी तरह से सजा देंगे। और मैडम आ चुका है, अब देखते हैं मैडम को क्या चाहिए। हाँ मैडम, ये तो हमारे पड़ोसी है, बहुत ही अच्छे हैं। सारे जो चीज़ें मेरे दुकान में हैं वो मुझसे ही लेती है, किसी और से नहीं लेती। अच्छा, ये मैडम अब भी आ जाइए, आपकी ट्विन सिस्टर अभी मेरी दुकान से सब कुछ लेकर गई है। आप आ जाइए मैडम, प्लीज़ 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 आ जाइए। नहीं ठीक है, छोड़िए, कस्टमर को दे देते हैं। ये चाचा तो मेरे दुकान से लेते हैं, ये भाई साहब कहाँ से आया, नया शायद लगता है। मैडम आ चुकी है, मैडम देखिए, सर देखिए, जो चाहिए आप सब ले जाइए। तो शर्माइए मत, मैं कुछ नहीं कहूँगा, आपको जो चाहिए सब ले जाइए, पर पैसे देके। ये सब आपकी चेंज हो गई बहुत ज़्यादा, ये चेंज देना सबसे ज़्यादा ये मुश्किल काम होता है बार बार। तो मैं अगली वीडियो में कोशिश करूँगा एक हम जो हायर करने के लिए, जो ये कैशियर का जो जगह है ये संभाल ले, तो बाकी काम मैं संभाल सकता हूँ और उसे मैनेज भी कर सकता हूँ। तो देखते हैं, जितने भी सामान मुझे चाहिए वो सबको मैनेज कार्ट में ले लिया है। आप इन सबको मुझे परचेस करना है, देखते हैं और क्या चाहिए। ये सब तो हो चुका है, यहाँ पे कुछ चाहिए क्या, नहीं, तो इन सबको कर दिया। आप एक फ्रीज ले लेंगे, फ्रीज के लिए पैसे तो है नहीं, तो थोड़ा कस्टमर को बिकने देते हैं ये प्रोडक्ट, तब भी लेंगे। तो ये तो हो गया $4। अब चाहिए भाई साहब, मैडम जी और गा तो आप जा सकते हैं। आपका देखते हैं सर, आपका तो पूरा क्लियर है। तो हमारा हो चुका है, नहीं हो चुका यार, थोड़ा सा चाहिए। तो जब तक वो नहीं आता तब तक ये सब प्रोडक्ट जो रख सकते हैं रैक में वो रख देंगे हम। ये है चापाता हमारा ब्लैक टी, तो ये चापाता क्लियर हो चुका है। इसका जो प्राइस है इसे हम सबसे पहले सेट कर देंगे, ये प्राइस सेट हो चुका है। अब दूसरा क्या है, दूसरा है हमारे पास, इसका नाम क्या है यार, मैं भूल गया इसका नाम है कॉफ़ी, डार्क कॉफ़ी। ये है डार्क कॉफ़ी जो मैंने रख दिया है। अभी कस्टमर है तो उन्हें पहले अटेंड करते हैं। मैडम जी आपका चेंज रेडी है, सर जी आपका भी चेंज तो नहीं है। मैडम जी, ओ नागिन वाली मैडम जी, आपकी तो हो चुकी है पेमेंट। अच्छा मैडम जी आपका भी हो चुका है, सर जी आपका सिर्फ $10 है, आपका भी हो चुका है। अब देखते हैं नया सर जी आ चुके हैं, उसके पहले परचेस कर लेते हैं, क्योंकि रात के 9 बज गए तो यहाँ पे कोई परचेस नहीं होगा, नेक्स्ट दिन ही परचेस होगा। तो सर का भी दे दिया है, सर अपने पास्ता लिया है 2 क्यू, सर आप 10 क्यू नहीं ले लेते सर, मेरी खुशी के लिए ले लीजिए सर। ये जो भाई साहब है ये शायद तो टकले वाले अंकल का
चाचा या भातीजा होगा, ये दोनों चाचा भातीजा होंगे। अब ये आ चुका है हमारा फ्रीज और इसे सबसे सामने रखेंगे, क्योंकि फ्रीज हमेशा सामने ही होते हैं, मतलब दरवाजे के पास ऐसी जगह पे। उसे सेट कर दिया है। लास्ट ये भाई सब जो है इसका भी अकाउंट क्लियर कर देते हैं। आप जो सामान है उसे फ्रीज में लोड करेंगे। देखते हैं चीज़ आ चुकी है, चीज़ को अच्छी तरह से लोड कर देंगे। ये चीज़ बहुत ज़्यादा बिकती है तो इसे थोड़ा ज़्यादा मंगाना चाहिए था मुझे। अब ये भाई साहब आ चुका है, ये चीज़ ले लेंगे कम दम में। इसे मार्केट प्राइस सेट कर चुका हूँ। आप ये वाटर ले, वाटर के लिए कोई पेशर नहीं है, वाटर का धीरे धीरे बढ़ाता हूँ क्योंकि इसका प्राइस थोड़ा सा कमी है। अच्छा ये हो चुका है। आप इन दोनों भाई साहब को पहले अटेंड कर लेता हूँ। क्या चाहिए भाई साहब? अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, आपको बिस्कुट चाहिए, ठीक है आप चाह के साथ खाएंगे, पर आपने टी ली नहीं, शायद पहले दिन ले चुके होंगे तो फिर से टी आ चुकी है। आपको अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, टी मैंने रख दी है। आप क्या करें, आप जो वाटर की बोतल मैंने थोड़ा ज़्यादा ही मंगा लिया है, तो कोई बात नहीं, वाटर ज़्यादा ही बिकता होगा मुझे लगता है, क्योंकि सबको वाटर तो पीनी होगी। आप देखो यहाँ पे एक भी आ चुका है, एक भी रख देते हैं। एक का दाम जो है इसे भी फिक्स करना पड़ेगा। तो देखते हैं, तो हमारा फिर से डार्क कॉफ़ी जो है वो आ चुका है। मुझे लगता है डार्क कॉफ़ी ज़्यादा बिकेगा, तो ये डार्क कॉफ़ी का दाम थोड़ा सा सेट करके रखना पड़ेगा अच्छी तरह से, और शायद मैंने सेट कर दिया है पहले ही। अब क्या है, दूध आया है, मिल्क, तो इसे सेट कर देते हैं। शायद मैंने नहीं नहीं ठीक है ठीक है, दो रैक हो चुका है, मैंने सोचा मिल्क थोड़ा कम हो गया, नहीं सब ठीक है। पर एक की और एक चाहिए था, एक मुझे और एक ऑर्डर करना पड़ेगा, क्योंकि एक रैक पे है तो वो जो बहुत जल्दी बिक जाएगा। तो आज का दिन तो टोटल कंप्लीट हो चुका है, हमारे पास पैसे बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमें सारे पैसों से हमने क्या किया है, हमने सारे प्रोडक्ट ला चुके हैं नए परचेस को खोलकर। आज अब देखते हैं कौन सी चीज़ का दाम बढ़ा है, कौन सी चीज़ का कमा है। पहले दुकान को ऑन करते हैं, क्योंकि हमारे पास पैसे ही नहीं है। तो सबसे पहले हमारे पास ये ब्रेड ख़त्म हो गई थी, तो इसे अच्छी तरह से सेट कर देते हैं। और ब्रेड है, इसे यहाँ पे सेट कर देते हैं। बाकी जो बचा हुआ है उसे भी रख देते हैं। उसके बाद ये कंप्लीट हो चुका है। मैडम आ चुकी है। मैडम एक चीज़ आप एक चीज़ से क्या करोगी मैडम? अब 10 ले जाइए, 20 ले जाइए, आपके लिए तो सब कुछ ला देंगे, आप टेंशन क्यों ले रहे हैं? आप देखते हैं कार्ट में कुछ नहीं है, लाइसेंस में से अभी तो कुछ नहीं चाहिए, पर जो बिल है इसे क्लियर करना पड़ेगा भाई। ये बिल क्लियर करते करते एक दिन मैं क्लियर हो जाऊंगा। यहाँ पे लाइट जल रही है, रेंट है, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल, रेंट और इन सब को चुकाना पड़ता है। ऊपर से क्या है, ऊपर से जो बैंक से मैंने लोन लिया है उसका भी तो इंटरेस्ट भरना पड़ेगा। मैडम जी आई आई ये मैडम जी जा रही है, थोड़ा घूम के आते इस एरिया को, मेरे एरिया में और कौन सी दुकान है। ये ड्राई क्लीनिंग का दुकान है, जगह बहुत ही, जो भी बोलो यार, ये जगह बहुत ही सुंदर है, अच्छी जगह मिली है मुझे, वो भी मेरे हिसाब से ठीक ठाक रेंट पे। इस रेंट पे इस जगह पे इतनी अच्छी नहीं मिलती है। सबसे पहले हमारा जो लेडी कस्टमर है उन्हें दे देते हैं। मैडम आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आपका $10 हो चुका है, भाई साहब आपका भी चेंज रेडी है, आपका चेंज ले लीजिए और घर जाइए। ये हो चुका है, आप दूसरा कस्टमर भी आ रहा है। अब देखते हैं जो हमारे बिल से उसे क्लियर कर रहे हैं। हमारे पास अब देख सकते हैं बिल्कुल भी पैसा नहीं है, और देर बच चुका है, मतलब दिन का आधा कंप्लीट हो चुका है। अब आधे में मुझे प्रॉफिट बनाना है। अब देखते हैं इनका हो गया। मैडम आपका, मैडम आप तो दिखने में बहुत सुंदर है, आपका भी ले लिया, डिस्काउंट देना चाहा था, पर कंप्यूटर है तो डिस्काउंट लेगा नहीं वो। अगर कभी एटीएम कार्ड नहीं लेके आएंगे तो आपको ज़रूर डिस्काउंट मिलेगा। अब देखते हैं सुसु का दाम ठीक करते हैं। ये जो हमारा डार्क रोस्ट है सबका प्राइस को एक बार चेक कर लेते हैं कि ठीक है या नहीं, या मार्केट प्राइस से बढ़ गया है या लो हुआ है, तो उसी हिसाब से इसे सेट करना है। क्योंकि जो प्राइस होता है प्रोडक्ट का वो मार्केट प्राइस से कभी बढ़ता है कभी घटता है, तो उसी हिसाब से हमें भी ये चेक करना पड़ेगा, और जो भी बढ़ता है उसे बढ़ाना है और जो कम होगा उसे कम कर देना है। इसी हिसाब से मेरा कंप्लीट हो चुका है लगभग। अब हम चीज़ है, चीज़ का तो ठीक ही है, डीम एक का भी ठीक है,
हाँ इसे थोड़ा ठीक कर देते हैं, इसे भी ठीक कर देते हैं, और मिल्क का जो है मिल्क का भी ठीक कर देते हैं, हो गया। और वाटर बोतल का जो है इसे भी ठीक कर देते हैं। अब हो चुका है, अब जो कस्टमर है उन्हें अटेंड करते हैं। तो $15 मैडम आपका, मैडम आप फिर से आ चुके हैं, आपका $1 आप जा सकते हैं, आप फिर से आइएगा। और या तो आपका जो ये डीम है इसे ले जाइए, $19 हो चुका है आपका। बिस्किट है आपके पास, तो आपका चेंज रेडी है। तो अभी मुझे लाइट जला देना चाहिए क्योंकि शाम के 6 बज चुका है। और ब्रेड लेंगे आप, ठीक है मैडम, आपका ब्रेड रेडी है, आपका $11 हो चुका है। तो आपके पास चेंज नहीं है, चेंज दे दिया मैंने, हो चुका है। अभी भाई आ चुका है, इस भाई को देखते हैं क्या क्या चाहिए। आप अदर जो चाहिए आप सब ले जाइए, जितना भी चाहिए उससे ज़्यादा ले जाइए, कोई बात नहीं, बस पैसे दे कर जाइए। प्रोडक्ट आ चुका है, सुसु थोड़ा कम हो गया था तो सुसु को ठीक तरह से इसे सेट कर देंगे। इसका नाम लेने में भी कैसा लगता है आपको समझ में आएगा, नाम भी क्या है, सुसु तो होगा कुछ चीज़ शायद, मुझे पता नहीं है, तो देखते हैं अटेंड करते हैं। हाँ मैडम जी, आप थोड़ा ज़्यादा ले रहे हैं, थैंक यू और गा तो आपका क्या है, $10 है आपका, हो गया। हाँ भाई साहब आपका क्या है, आपका भी चेंज है, हाँ चेंज दे दिया, फ्लोर ख़त्म हो गया, हाँ लाना पड़ेगा लाना पड़ेगा, आप टेंशन मत लीजिए, कल आप आइएगा तो आपका फ्लोर रेडी होगा। देखो देखिए ये जो हरा भरा जो पैकेट था वो फ्लोर तक का था, तो फ्लोर का ऑर्डर मैंने दे दिया है, पर अभी नहीं दे सकते, परचेस नहीं कर सकते क्योंकि रात के 9 बज चुके हैं, 9 बजने के बाद हम कोई भी चीज़ परचेस नहीं कर सकते, उसे कार्ट में रख सकते हैं, कल सुबह उसे दे देंगे। आज कोई और नहीं है तो हमारा जो ये कल क्लोज हो चुका है वो दिन, नया दिन ओपन हो चुका है हमारा सुपर मार्केट, हमारा प्रोडक्ट आ चुका है, हमारा ये जो फ्लोर है इसे हम रख देंगे यहाँ पे, दूसरा भी पैकेट रख देंगे। ये थोड़ा ज़्यादा बिक रहा है इसलिए 2 पैकेट एक साथ ला दिया मैंने, 2 पैकेट रखना हो चुका है। और इस कार्टून को इस डस्टबिन में रख दो। अब जाते हैं देखते हैं यहाँ पे क्या है, जो और लाना था तेल लाना था मुझे, क्योंकि वो भी ख़त्म होने वाला है तो उसे भी ला दिया है हमने। तो मैडम देखिए आपको जो चाहिए आप वो ले जा सकते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप हमारे पास आइए, आपको जो चाहिए आप ऑर्डर दीजिए, कल तक आपके पास हाथ में होगा वो, बस पैसे आप रेडी रखिए। अब यस मैडम को, ये मैडम तो थोड़ी दिखने में अच्छी है, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, ये तो बात की बात है। तो सर जी आपके पास, आपका भाई कल ही आया था, आप ज़रूर आइएगा फिर, ये तो कस्टमर को मैंने देख लिया है, और कस्टमर नहीं आ रहे क्या, आ चुका है। देखते हैं भाई साहब चीज़ का नाम इतना ज़्यादा, अच्छा ठीक है थोड़ा कम कर देते हैं आपके लिए सिर्फ, कस्टमर तो भगवान का रूप होता है, उनके लिए तो कम क्या, ज़ीरो भी मैं कर दूँ, पर क्या है ना मैंने ज़ीरो करूँगा तो उनको लेने में अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैंने ज़ीरो नहीं किया है। तो ये हो चुका है प्राइस का सेटिंग करना। अब ये ब्रेड लेंगे चाचा, भाई साहब क्या लेंगे, हाँ ले चुके हैं, आप उसका चेंज दे देंगे। अब भाई ऑफिस जा रहे हैं, अच्छा ठीक तरह से जाना, हाँ ठीक है गुड बाय, अब चले जा। अब ये भाई भी ऑफिस है जाने वाला है, यार से पैकिंग मर रहा है पता नहीं, पर इसको तो चेंज देना ज़रूरी नहीं है, नागिन वाली चाची आ चुकी है, इसका भी चेंज दे चुका हूँ। तो अभी तो ये ख़त्म हो चुका है, अभी जो बिल्स है उसे क्लियर करना है, सारे के सारे बिल्स मैंने क्लियर कर दिए हैं, रेंट की इलेक्ट्रिसिटी की बिल सब, सारे के सारे बिल मैंने क्लियर कर दिया है। अभी ये जो नया भाई साहब है इसका अटेंड कर दिया है, अभी इस भाई साहब को देखते कितना, $16, सिर्फ $16 भाई, मेरा प्रॉफिट कहाँ है भाई, कहीं $100 $200 का चीज़ लेंगे लोग, नहीं ये सर $10 $20 का चीज़ ले रहे हैं। डीम ख़त्म हो चुका था इसलिए इसे रख दिया, पर इसे रखने की और जगह नहीं है तो अभी यहीं पे रखेंगे। तो देखते हैं, अच्छा ठीक है मिल्क थोड़ा ज़्यादा ही बिक रहा है तो शायद मुझे मिल्क लाना पड़ेगा। अब इसे तो बिस्किट और एक चाहिए, तो हो चुका है इसका कितना पैसा, अच्छा इसे चेंज देना पड़ेगा, अच्छा चेंज दे दिया, ये चेंज देना थोड़ा मुश्किल है, वो तो हो जाता है क्योंकि इतना ज़्यादा चेंज मांगते हैं लोग, बार बार देना मुश्किल हो जाता है। ATM से पेटीएम करो भाई, एक बार में हो जाएगा, आपको भी चेंज देने में मुझे तकलीफ़ नहीं होगी, आपको भी पैसे देने में मुझे तकलीफ़ नहीं होगी, क्या करूँ पता नहीं। अब देखते हैं दूसरा, हमारा स्टोर तो अभी नहीं खुला है, स्टोर रूम
क्योंकि उसके लिए 800 रुपये चाहिए जो मेरे पास नहीं है, आप लोग देख सकते हैं। ऊपर से मैं लोन में हूँ बैंक का, तो सबसे पहले मुझे बैंक का लोन चुकाना है, दूसरी बात मुझे स्टोर का एक कोई व्यवस्था तो करना ही पड़ेगा। तो आज मैं कोशिश करूँगा जितना हो सके उतना पैसे कमाने की, और मेरा मेन टारगेट यही रहेगा कि बैंक का जो लोन है उसे मैं चुका दूँ, क्योंकि इसका आज अगर बैंक का लोन चुका देता हूँ तो अगली जो सारे प्रोडक्ट तो मेरे आ चुके हैं, अगली जो मेरा प्रोडक्ट होगा उसे मैंने सेल करके मेरा स्टोर जो है उसे ओपन कर सकता हूँ। और उसके साथ साथ मैं क्या कर सकता हूँ, उसके साथ साथ मैं ये जो स्टोर है इसमें हायरिंग कर सकता हूँ। तो अभी जो प्रोडक्ट हमारे पास नहीं है उन सबको कार्ट कर लेंगे, उसके बाद अभी तो उसे परचेस नहीं कर सकता। मैडम आपका हो चुका है, सर जी आपका भी ऑन द वे है 34। ये हुई ना बात भाई, ये हुई ना बात, आप देखो ये भी ATM से पेटीएम करेंगे, तो ये इनका भी हो चुका है। अभी देखते हैं कोई और है क्या, हाँ है एक मैडम है, आ चुका है। आइए मैडम, आइए मैडम, आपको जो भी चाहिए आपको मिलेगा, आप टेंशन मत लीजिए, सिर्फ टेंशन हमें दीजिए, हम आपका टेंशन लेंगे उसे सॉल्व कर देंगे। तो आज का दिन हो चुका है, किसी का मतलब प्राइस नीचे भी नहीं गया ऊपर भी नहीं गया, नहीं तो वो दिखाता, तो कोई टेंशन नहीं है दाम कमाने और घटाने की। आप जो चीज़ है पास्ता को रख दिया मैंने, तो यहाँ पे बिस्किट है, इस बिस्किट को लेंगे, बिस्किट को लेके रख देंगे, इसे भी रख दिया है मैंने पूरी तरह से, ये कंप्लीट हो चुका है। उसकी बात क्या करेंगे, उसके बाद जो ये डार्क कॉफ़ी है इसे भी, ये भी ख़त्म होने वाला है तो इसे भी रख देंगे। हमारा एक चचा भी आ चुका है, तो दूसरा में क्या है मिल्क है, जो मिल्क भी थोड़ा ज़्यादा बिकता है तो ख़त्म हो रहा है तो इसे भी रख देंगे। तो अभी हाँ ऊपर में एक जगह था जिसमें मैंने रख दिया था, अब चीज़ आया है, चीज़ भी बहुत ही ज़ोर शोर से बिक रहा है तो चीज़ को भी रख देंगे। तो रखना हो चुका है, बहुत सारे चचा भाई ब्रदर एंड सिस्टर तो अभी नहीं आए, जितने भी ब्रदर्स है इन सब का जो क्लियरेंस है इसका प्रोडक्ट को हम क्लियर कर देते हैं। प्रोडक्ट क्लियर हो गया, और चचा टकले वाले चचा कैसे हैं आप, ये भाई साहब आ चुके हैं फिर से, ये सच में ऑफिस जाता है या सिर्फ ऐसे ही दिखाने के लिए और हर रोज़ एक ही ड्रेस पर के, भाई क्या करें। हाँ ऐसा भी हो सकता है इसका कोई ट्विंस ब्रदर हो, हाँ यहाँ पे तो हर किसी का ट्विंस होता है, एक साथ पांच आ जाता है सेम सेम दिखने वाला, सेम सेम कपड़े वाला सामान लेने के लिए। छोड़ो यार मुझे क्या करना, अब सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे लोगों के आई 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 भाई, हाँ मैडम आ रही है भाई, मुझे लगता है मेरा जो सुपरमार्केट है ना वो लड़कों से ज़्यादा लड़कियों में फेमस है, लड़कों से ज़्यादा लड़की आ रहे हैं भाई, थोड़ा एफर्ट डालो भाई, सब आओ, सब आओ, बच्चे बूढ़े जवान सब आओ, कोई टेंशन की बात नहीं है। ओ देखिए ये मैडम फेवरेट हो चुकी है मेरे भाई, देखा है भाई कितना ज़रा सामान ले रहे हैं, मैडम आपने थोड़ा कम ले लिया, आप भाई साहब आ जाइए, हाँ आप तो आ चुके हैं, मेरे सुपरमार्केट दिखने में थोड़ा अच्छा नहीं है, इसे अच्छा करेंगे अगली वीडियो में। आइए मैं मैडम आपका ही दुकान है, आ जाइए आ जाइए, भाई साहब आ चुके हैं, भाई साहब आपका तो चेंज रेडी है, आपको दे देते हैं, आप ले लीजिए और यहाँ से फूट जाइए और दोबारा ज़रूर आइए। आएगा तो मैडम आपका 16 रुपया हो चुका है, आप जा सकते हैं, हमारे जो ये डीम पड़ा हुआ था इसे रख देते हैं और इसका जो ये कवर था इसके फेंक देते हैं। और दूसरे देखते हैं आ चुका है हमारा ये टकलू चाचा, टकलू चाचा कैसा है आप, ये हो चुका है पास्ता, ठीक है आपका चेंज रेडी है, आपका हो चुका है, मेरे पास 653 रुपये है, मुझे सबसे पहले तो बैंक का लोन चुकाना है, तो देखते हैं बैंक का लोन क्या मैं चुका सकता हूँ, उसके पहले जो भी नहीं है चीज़ मेरे पास दुकान में वो लाते हैं और पूरी दुकान में सेट कर देते हैं। अगले दिन जो होगा, अगले दिन मैं थोड़ा सा गेम को आगे लेके जाके रहूँगा, मतलब 10 लेवल के बाद, जिससे कि मैं हायरिंग कर सकता हूँ किसी भी कैशियर को, तो आपको भी दिखने में मज़ा आएगा। तो यहाँ पे ये भाई साहब तो चीज़ ले रहे हैं, आप जा सकते हैं, तो आपका चेंज रेडी है, आप लीजिए और ऐसे कट जाइए। और भाई साहब अब तो बहुत सारा चीज़ ले रही है, और या तो आप जा सकते हैं, अब आपका 40 हो चुका है, आपका भी कितना हुआ 13,
अबे भाई तेरा के लिए एटीएम का पेटीएम करने का क्या ज़रूरत है भाई। ठीक है अब हम बैंक का लोन शॉर्ट कर देंगे भाई। ये जो शांति है ना इसके जैसा नहीं है भाई, ये सो मैंने चुका दिया है, अभी फिर से लेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि मैं लूँगा नहीं, फिर से मैं फिर से लूँगा, फिर से 750 या 2000 लूँगा, पर उसे लेने के लिए ये चुकाना बहुत ज़रूरी था। ये चुका दिया है, सारे बिल मिटा चुका हूँ। बिल तो मिटा नहीं सकते क्योंकि अभी पैसा नहीं है, पैसे थोड़ा आ जाए बिल को चुका देंगे। प्रोडक्ट हमारे पास थोड़ा बहुत है, कोई प्रॉब्लम नहीं है प्रोडक्ट का, तो बिल सारे चुक चुके हैं हमारे जितने भी बिल थे, एक खाली रह जाता है। और कोई कस्टमर अगर आ जाए तो ये भी चुका देंगे हम। तो बाहर कोई नहीं है इसका मतलब दुकान बंद करने का टाइम आ चुका है, तो चलते हैं दुकान को आज कर बंद कर देते हैं। तो आज के लिए मुझे लगता है इतना काफ़ी है, जितना प्रोडक्ट का दाम कम हुआ है बढ़ गया है उससे सेट कर देंगे, और आज के लिए यही तक।